अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जैसे कि नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को भी जाने, अब हम जानेंगे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को, कि अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव इंपरेटिव से क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको कैसे बनाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो होगा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हुआ, उसके बाद टू हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कोमा इनवर्टेड कोमा, फिर आपका यहाँ पे डोंट हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे डोंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते ही, डोंट को देखते ही आप समझ पाए कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव इंपरेटिव का है। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, पूरे सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच होता है। अब यहां पे जो है जैसे ही डोंट को हम लोग देख पा रहे हैं तो इसको दो तरीका से हम लोग बनाएंगे, यहां पे हम बताएंगे दो तरीका से ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्वेश्चन को आंसर बनाएंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए कैसे बनाएंगे उसको देखा जाए। तो देखिए यहां पे जो है कोमा इनवर्टेड कोमा का पोजीशन जो होता है, यहां पे कोमा इनवर्टेड कोमा का पोजीशन जो होता है आगे, इसको हम लोग टू में भी बदलेंगे या नॉट टू में भी बदल के बनाएंगे, कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेड का पोजीशन होता है, ये सेड का जो पोजीशन होता है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे आस्क्ड में बदलते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पे आस्क्ड में बदलते हैं, अगर सेड के पोजीशन को यहाँ पे हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ से सेड के पोजीशन को आस्क्ड में बदलिएगा तो यहाँ पे कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा, नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे सेड के पोजीशन को आस्क में बदलिएगा तो यहाँ कोमा इनवर्टेड कोमा के पोजीशन को नॉट टू में बदलिएगा, लेकिन जब ये सेड के पोजीशन को फॉरवर्ड में बदलिएगा, जब इस सेड के पोजीशन को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो इसके लिए सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, किसका जी, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये फॉरवर्ड क्यों, इसके लिए टू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड जो वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, जिसके लिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना उचित नहीं होता है, इसलिए इसमें नॉट छिपा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से इसीलिए बनाएंगे, जब हम यहाँ पे सेड के पोजीशन को आस में बदलेंगे तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे कोमा इनवर्टेड कोमा के स्थान के लिए, लेकिन जब इस सेड के पोजीशन को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको देखा जाए। अब देखिए आगे जो है रिपोर्टेड स्पीच में इसको अब हम आगे हटा देते हैं, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बढ़ाएंगे तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में। देखिए यहां पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमा, ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा, उसके बाद यहां पर दिया जाएगा डोंट यहां पर ओपन द डोर। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हुआ। अब यहाँ पे आप देख पाए कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अब आप लोग को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डोंट दिया है तो ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसमें हम इसको कैसे बनाएंगे, दोनों तरीका से हम यहाँ पर बना देते हैं, आपके एग्जाम में दोनों तरीका से ऑप्शन दिया जा सकता है, आप लोग को यहाँ पर इस कंसेप्ट को याद रखना होगा जिससे जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पर जो है आपको आंसर यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, तो ही इसके बाद जो है ये सेड के पोजीशन को हम आस्क्ड में बदल के बनाते हैं पहले, तो ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए किसका प्रयोग करें, जब आस्क्ड यहां किए तो कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो नॉट टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आस्क के लिए यहाँ पे नॉट टू आया है, ये क्लियर आया समझ में। अब देखिए ये डोंट हट जाएगा, ये डोंट हट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन द डोर का प्रयोग करेंगे, अब लास्ट में फुल स्टॉप होगा, ये पहला हुआ। एक और तरीका से हम इसको बनाते हैं, देखिए यहाँ पर इसको बनाएंगे ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी, अब देखिए ये फॉरवर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, ये अपने आप में ही ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे
टू का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग करेंगे। जब आपको यहाँ पे सेट को फॉर्मेट में बदलिएगा तो टू का प्रयोग कीजिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के। पोजीशन पे आस्क में बदलिएगा तो नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे, ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब देखिए आगे जो है यहाँ पे फॉर्मेट के लिए टू हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, ओपन द डोर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीका से ये चीज़ें बनेंगी। अब देखिए इस पर जो है आप लोग को जो है इस तरीका से क्वेश्चन बना, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको और बनाया जाए। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए कि मोहन शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद डोंट, यहाँ पे डोंट गो आउट। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो आउट। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोहन फॉरवर्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे अब जो है सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, टू हो गया, उसके बाद जो है ये डोंट को हटाना होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, गो आउट होगा, ठीक है। तो इस तरीका से ये चीज़ें बनेंगी। अब एक और तरीका से हम लोग बना लिया जाए, देखिए यहाँ पे मोहन फॉरवर्ड में बदल लिए, आस्क में बदल के बनाते हैं, तो मोहन यहाँ पे ये आस्क्ड हो जाएगा, मोहन आस्क्ड मी, तब क्या होगा, नॉट टू हो जाएगा, क्या होगा जी, नॉट टू होगा। तो नॉट टू और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गो आउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब आपका सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस से दिया जाए तो इसको हम लोग दो तरीका से बनाते हैं। सेट को अगर आस्क में बदलेंगे तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, अगर यहाँ पे सेट के पोजिशन को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जब ये चीज़ें प्रयोग हो जाएगा तो डोंट को हटा देते हैं, ठीक है, जिस पे हम यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल को क्लियर किए। अब हम आते हैं यहाँ पे जैसे कि लेट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, उसको देखा जाए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे जो है अब यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आप लोग को आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लेट का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है उसको देखा जाए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे लेट जो होता है, ये लेट जो होता है ना, ये अपने बाद जब भी लेता है ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, किसका जी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। लेट जो होता है अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही चुनाव करेगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेगा, ये आप लोग को याद रखना है। यानी इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे लेट पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे उसको देखा जाए। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे लेट दे देगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आपको लेट दिया तो लेट के बाद क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस आया। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पूरा सेंटेंस जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, पूरे सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे लेट दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब भी लेट रहेगा ना तो सेड के पोजिशन को कैसे बदलेंगे उसको देखा जाए। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया है तो यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है यहाँ पे सेड को या तो इसको हम लोग यहाँ पे सजेस्टेड में या तो इसको हम लोग सजेस्टेड में या इसको फॉरवर्ड में या इसको यहाँ पे सजेस्टेड में फॉरवर्ड में नहीं यहाँ पे सजेस्टेड में हो गया या यहाँ पे विश्ड में या यहाँ पे सजेस्टेड हो गया उसके बाद विस्ट हो गया या प्रपोज्ड में, ठीक है, में बदल लेंगे, इन तीनों में बदल लेंगे, ठीक है, जब आपका सेंटेंस लेट से रहेगा तब। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे जो है ना यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे डेट का प्रयोग करना होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, डेट का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल को देखा जाए पहले देखिए यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल की हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्वेश्चन दिया जाए कि ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस
प्ले ए फुटबॉल। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन हम दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। सेंटेंस पूरा सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे देखिए यहाँ पे। तो इसको बनाने का तरीका होगा ही सजेस्टेड मी। अब देखिए सजेस्टेड है ठीक है, तो यहाँ पे ही सजेस्टेड मी। अब यहाँ टू का प्रयोग मत कीजिएगा, लो आपके एग्जाम में टू भी दिया जाएगा और डेट भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे। ही सजेस्टेड मी डेट, उसके बाद जो है ये लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट में बदल लेंगे ठीक है। तो ही सजेस्टेड मी डेट, अब लेट हट जाएगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में बदलेगा सब्जेक्ट में बदलेगा। ये कौन सा पर्सन है जी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास आएगा सब्जेक्ट के पास आएगा। तो ये सब्जेक्ट के पास आएगा तो बनके क्या जाएगा, तो वही सब्जेक्ट बनके जाएगा। तो ये जो है ये सेम चीज उठ के जाएगा, तो ये अस वी में बदलेगा, वी फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के पास आएगा तो बनके जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा तो ही होगा ठीक है। तो ही शुड, तब क्या हो जाएगा प्ले ए फुटबॉल फुटबॉल ठीक है। तो इस तरीका से ये चीज़ें बनेंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है डेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे किस में बदलेंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद शुड प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए ये तो स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं जब लेट से क्वेश्चन रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे लेट से जब क्वेश्चन रहेगा, तो लेट से जब रहेगा तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे लेट से रहेगा, और लेट से रहेगा तो सैड के पोजिशन को, सैड के पोजिशन को हम या तो यहाँ पे सजेस्टेड में बदल लेते हैं, या आप यहाँ पे विस्ट में बदल लीजिए, या यहाँ आप प्रपोज्ड में बदल लीजिए ठीक है। ये चीज़ इसमें बदला जाता है। इसके बाद जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ पे इसके लिए डेट का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट है उसको क्या कीजिए, तो उसके बाद जो है यहाँ पे लेट तो अपने आप में हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे शुड किसका प्रयोग करेंगे, शुड प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका एक स्ट्रक्चर हुआ ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है, जब सेंटेंस आपका लेट से रहेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस पर एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। देखिए जब भी हम यहाँ पे लेट से एक और क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन दिया जाएगा कि शी सेड टू मी, उसके बाद कोमा इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा लेट अस गो आउट टुडे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा इसको देखा जाए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो ही सॉरी सी होगा यहाँ पे सी, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें से तीनों में से कोई एक प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे, या तो सजेस्टेड का, या विश्ड का, या आप यहाँ पे प्रपोज का। इन तीनों का अर्थ होता है इच्छा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसमें से तीनों में से कोई एक प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है सजेस्टेड हो गया, ही सजेस्टेड हो गया, सजेस्टेड मी, कोमा इनवर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी डेट का प्रयोग करेंगे ठीक है। लेट तो हट जाएगा, लेकिन लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा वी होगा, वी कौन सा पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास आएगा, तो सब्जेक्ट के पास आएगा तो ये सब्जेक्ट बन के जाएगा, तो क्या होगा सी हो जाएगा ठीक है। ये क्लियर समझ में आया, तो सी हो गया। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शी शुड, तब क्या होगा गो आउट। अब देखिए टुडे जो है, इस टुडे को हम लोग आप लोग को बताए हैं कि इस टुडे को किस में बदलेंगे, तो यहाँ पे डेट डे में बदलेंगे ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये जो है डेट डे में बदल गया, तो ये आपको लेट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसको हम लोग इस तरीका से बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो है लेट से दो तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम, ये जो है आपको नेगेटिव इंपरेटिव से हुआ ये, और ये जो हुआ ये आपका लेट से रिलेटेड एग्जाम्पल हुआ ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो नेगेटिव इंपरेटिव से हैं, और ये लेट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी पर रिलेटेड जो है बहुत सारा जो है जिस इस चैनल पे जो है वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सभी का प्लेलिस्ट बना है, जाकर सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिए। अगर आप एयरफोर्स नेवी एनडीए सीडीएस एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सभी पे जो है यहाँ पे जैसे नीतू सिंह का बुक है उनका कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं, लूसेंट जो बुक है उसी का कंप्लीट सोल्यूशन 200 क्वेश्चन का हम करा दिए हैं, ठीक है। तो सभी का मतलब सभी वीडियो का प्ले लिस्ट बना है, जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और जो क्वेश्चन हम बताए हैं उन सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन इसी तरीका से इसी कंसेप्ट से हम कराए हैं जो आपको 100% समझ में आएगा। तो जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।